शहर ने नागरिकों से रोजाना व्यायाम करने का आह्वान किया है और कहा है कि कसरत करने से सेहत अच्छी बनी रहती है। धनखड़ देर रात शीतल मॉल में एक जिम का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। छात्र संघ चुनाव के संबंध में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि योग्य छात्रों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने उस परंपरा को समाप्त कर दिया है जब लोग 60-60 वर्ष की उम्र में भी अपने आप को छात्र नेता कहलवाने का शौक पालते थे। उन्होंने सवाल किया कि क्या विपक्षी दलों के पास छात्र संघ के चुनाव में योग्य उम्मीदवार नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों से जुड़े लोग छात्र संघ के चुनाव से भाग रहे हैं। आजकल फिटनेस चैलेंज का जमाना है, हर कोई फिट रहना भी चाहता है, अपने को फिट रखना चाहता है। तो मैं मैक्स फिटनेस या डी पार्क पर जो जिम है उसके उद्घाटन समारोह का हिस्सा बना हूँ और मैं रोहतक नगरवासियों से अपील करता हूँ कि अपने को फिट रखने के लिए रोजाना व्यायाम करें, अच्छे से अच्छे जिम ज्वाइन करें और जो है अधिक से अधिक अपने को फिट रखें, अपनी सेहत के लिए समय दें। जब सेहत अच्छी होती है तो मन भी अच्छा होता है और सेहत और मन दोनों अच्छे जब होते हैं तो फिर काम भी अच्छे होते हैं, ज़िंदगी बेहतरी की तरफ जाती है, इसके तालमेल से जीवन आगे बढ़ता है। इसलिए एक घंटे का समय अपनी फिटनेस के लिए सब लोगों को देना चाहिए, पत्रकारों को भी देना चाहिए।